कोई थूथू रैली करता है और कोई चीफ मिनिस्टर बनने की रैली करता है और कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब लेता है। इस देश के अंदर 97 से लेके आज तक सिर्फ अधिकारों की रैली होती है और वो अधिकारों की रैली परिसंघ करता है इस देश के अंदर और इस देश की रियासतों के अंदर। कोई भी मूवमेंट करने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी होती है, मेंटल पावर, फिजिकल पावर और फाइनेंशियल पावर। मेंटली और फिजिकली तो हम साथ हैं। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इस कॉन्फेडरेशन के साथ और उदित राज के साथ है। आज जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से मैं 50,000 का सपोर्ट देता हूँ इस कॉन्फेडरेशन को करने के लिए। साथियों, ये जो पार्टी आज हुकूमत के अंदर है इसने लोगों को बहुत गुमराह किया है। 370 दफा को खत्म करके नारे दिए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को जम्मू कश्मीर से डिलीट कर दिया गया है, अगड़ी जातियों को इसके अंदर डाल दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को डिलीट कर दिया गया है, अगड़ी जातियों को इसके अंदर डाल दिया गया है। ये गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी या लोहार तरखान दाई धुब्बे का नहीं, पूरे देश के SC ST और OBC लोगों का है। जरा सोच विचार कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटरनिटी की बात की, इससे पहले यह मनुवाद होता था। ये चार चीजें सिर्फ कुछ लोगों को मिलती थी। बाबा साहब ने चार चीजें देके आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह पार्लियामेंट की बिल्डिंग जिसने बाबा साहब ने जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटरनिटी दी, क्या इसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात पर मैं दोबारा आऊं, ये रूलिंग पार्टी जिसका LG जम्मू कश्मीर में है, हमारे इम्प्लाइज को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दिया जाता, प्राइवेट सेक्टर ला रहे हैं, हमारे बच्चों को कोई भागीदारी नहीं दी जाती, बैकलॉग पड़ा हुआ है नहीं दिया जाता, और जो कश्मीर में शेड्यूल कास्ट इम्प्लाइज है जो अंडर थ्रेट है, वो जम्मू के अंदर आज 175 डेज है जम्मू के अंदर संघर्ष कर रहा है, सिर्फ एक डिमांड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और LG से कि आप सिर्फ यह रिलीफ दीजिए कि जब तक आप कश्मीर की व्यवस्था संभाल नहीं पाते, वहां लाइफ की सिक्योरिटी नहीं दे पाते, इन मुलाजमों को जम्मू के अंदर एडजस्ट कीजिए। यह कारवा, यह 23वीं रैली हो रही है, यह कारवा बढ़ता रहेगा और हम बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ पूरा का पूरा संविधान इस देश के अंदर और इस रियासतों के अंदर लागू करेंगे। पहचानिए, इस देश के अंदर हजारों तंजीमें बनी है, ये परिसंघ जैसी तंजीम आपको इस देश के अंदर कहीं नहीं मिल सकती। लिहाजा उदित राज का साथ दीजिए, परिसंघ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन का साथ दीजिए, जैसे हमने पहले पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कराई हैं, जैसे हर स्टेट के अंदर असेंबली अमेंडमेंट्स कराई हैं, दोबारा हम इस सरकार को घेरेंगे। और मेरा आज आग्रह है मेंबर पार्लियामेंटेरियन से, वो जिस मर्जी पार्टी से हो, हम देखना चाहते हैं कि जब पार्लियामेंट लगेगी कौन सी पार्टी लीड लेती है, हम उसी के साथ होंगे जो हमारी डिमांड पूरी की पूरी लागू करेगा। जय भीम।